हमेशा याद रखिएगा कि कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर ही मिलती है। तो इसलिए आप भी जाग जाइए और मेहनत में लग जाइए और अपनी स्टडी को बेहतर से बेहतर ढंग से करना शुरू कर दीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने 2011 के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सभी बहुविकल्पीय प्रश्न को सोल्व कर लिया जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग थे, जो आपके सिलेबस के अनुसार थे, आज हम 2012 के उन सभी क्वेश्चंस को, उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, उन सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आपको इसमें शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक बताना है। वेग स्थिरांक का मात्रक आप कैसे बताओगे? देखो, ये बात एनसीईआरटी में मेंशन है, ये रिलेशन एनसीईआरटी में मेंशन है जो मैंने यहां पर लिखा है। क्या लिखा है मैंने? देखो, वेग स्थिरांक जिसे हम के से डिनोट करते हैं, के से शो करते हैं, के से प्रदर्शित करते हैं, सांद्रता बटे समय इंटू वन अपॉन सांद्रता की पावर एन। इस एन का मतलब होता है अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपकी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जीरो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वन, और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए दो, और तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए तीन आगा एन की वैल्यू। अब देखिए इनका एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट बोले तो एसआई मात्रक क्या है, सांद्रता बोले तो कंसेंट्रेशन के लिए आप मोल पर लीटर लिखोगे, और समय के लिए आप एस लिख सकते हो या फिर सेकंड शॉर्ट में लिख सकते हो। सेकंड को एस लिख सकते हो या सेकंड को इस तरह से लिख सकते हो। अब हमसे पूछा है उसने शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक, तो अब हम कैसे निकालेंगे? देखिए, हम निकालेंगे यहां पर के बराबर, इसके लिए हम क्या लिखेंगे सर? इसके लिए लिखेंगे हम मोल पर लीटर, सही है, हिंदी में लिख सकते हो मोल पर लीटर। और समय के लिए हम क्या लिखेंगे? सेकंड में एस लिख दो, सेकंड का चाहे एस लिख दो चाहे ये इस तरह से लिख सकते हो। इनटू कर देंगे वन अपॉन, यहां भी आएगा आपका मोल पर लीटर, अरे भाई लिख गया मोल पर लीटर, सही है। अब देखो एन है, एन की वैल्यू जीरो आ गई क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया है, जीरो आ गई। जब किसी की पावर जीरो होती है तो उसका आंसर कितना आता है? वन आता है, ये हम सब जानते हैं, सही है। अब देखो क्या बना हमारा, हमारा बनेगा मोल, अब ये लीटर कहां जाएगा? नीचे आ जाएगा, तो सेकंड इनटू एल लीटर। अगर हम मैं इसे इस तरह से लिखना चाहूं, कैसे लिखना चाहूं, देखो आंसर किस तरह दे रखे हैं, सही है, अच्छा ऐसे दे रखे, सही है, ऐसे लिख देते हैं। ऑप्शन जो आपके दे रखे हैं वो इस तरह से दे रखे हैं। देखो भाई मोल है तो मैं मोल को हिंदी में लिख दूं मोल, सही है। सेकंड कहां ऊपर जाएगा तो इनवर्स में आ जाएगा, तो पहले है लीटर, लीटर इनवर्स वन, सही है। सेकंड जाएगा तो सेकंड इनवर्स वन। तो इस तरह से आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक होगा। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? तो सर हमारा ऑप्शन नंबर टू बिल्कुल सही होगा। अब मेरे भाई, आप प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का, तृतीय कोटि की अभिक्रिया का भी मात्रक निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपसे वो शून्य कोटि का पूछे, अगली बार आपसे प्रथम कोटि का भी मात्रक पूछ सकता है। तो आप इस रिलेशन से इन सभी अभिक्रिया की कोटि के मात्रक को प्राप्त कर सकते हो, वेग स्थिरांक के मात्रक को प्राप्त कर सकते हो। बताइए हो जाएगा? चलिए क्वेश्चन नंबर दो पढ़ते हैं, जिसमें दे रखा है बायर अभिकर्मक का उपयोग निम्न में से किसके विभेद के लिए किया जा सकता है, सही है। चार ऑप्शन आपके पास है, बहुत ध्यान से समझिए, पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, एक्सप्लेनेशन करूंगा इस क्वेश्चन की। हल्की हल्की बारिश पड़ना यहां शुरू हो गई है, जैसे कि आपको शायद वीडियो में भी आवाज आ रही होगी बारिश की। चलिए, तो आप सबसे पहले तो ये बताइए सर कि बायर अभिकर्मक क्या है? बायर अभिकर्मक इंग्लिश में कहते हैं बायर रिजेंट, क्या कहते हैं? बायर रिजेंट। याद रखो बायर अभिकर्मक क्या है बेटा? बायर अभिकर्मक होता है क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, ये होता है कैमेनोफोर, पोटेशियम परमैंगनेट। तो क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट का तनु और ठंडा घोल को हम बायर अभिकर्मक कहते हैं। हमने क्या जाना? हमने जाना सर क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट का तनु और ठंडा घोल को हम बायर अभिकर्मक कहते हैं।
देखो बाह्य अभिकर्मक जो है ना वो एक प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये करता क्या है, ये संतृप्त और असंतृप्त, संतृप्त और असंतृप्त, हर बात नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा। इस पर क्वेश्चन कई बार आ चुका है आपकी बोर्ड में। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, लिख दो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच अंतर करने के लिए किया जाता है, मतलब संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच विभेद करने के लिए, उन्हें पहचानने के लिए कौन संतृप्त है और कौन असंतृप्त है हाइड्रोकार्बन, कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, उसको पहचानने के लिए बाह्य अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है। सही है, हर बात नोट करते चलना। अच्छा मैं आपको कुछ बातें और बताता हूं। जैसे भाई हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है, भाई जिनके मध्य डबल बॉन्ड आ, किसके मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड आए, या कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड आए। सर जब कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड आता है हम उसको एल्कीन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड आता है सर हम उसको एल्काइन बोलते हैं, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो। सही, मीथेन भी संतृप्त है, मीथेन भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, लेकिन इसमें कार्बन कार्बन मध्य नहीं होता, इसमें एक ही कार्बन होता है, तो कार्बन हाइड्रोजन मध्य मान लेना। सही है, तो बेटा ये कौन है, हमारा एल्केन है। सही, तो बाह्य अभिकर्मक का जो प्रयोग हम करेंगे वो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच अंतर को व्यक्त करने के लिए, विभेद करने के लिए करेंगे। जैसे हमारे पास एल्केन और एल्कीन हो और हम पहचानना चाह रहे हो कि एल्केन कौन है, एल्कीन कौन है, तो बाह्य अभिकर्मक का यूज कर लो। हमारे पास एल्केन है और एल्काइन है, तो अगर हम पहचानना चाह रहे हैं कि एल्केन कौन है और एल्काइन कौन है, तो बाह्य अभिकर्मक का प्रयोग कर लो। सही है, लेकिन बेटा बाह्य अभिकर्मक जो होगा ना वो आपके एल्कीन को और एल्काइन को ऑक्सीकृत कर देगा। बाह्य अभिकर्मक जो होगा ना वो आपके एल्कीन को और एल्काइन को तो ऑक्सीकृत कर देगा, ऑक्सीडाइज्ड कर देगा। सही है, इन दोनों में विभेद करने के लिए आप बाह्य अभिकर्मक का प्रयोग मत करना, आप इसका इसमें और इसका इसमें विभेद करने के लिए ही बाह्य अभिकर्मक का प्रयोग कर सकते हो, जबकि एल्कीन और एल्काइन को तो बाह्य अभिकर्मक क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है। तो आप कह सकते हो, एक लाइन और लिख सकते हो कि सर बाह्य अभिकर्मक का प्रयोग टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए किया जाता है। चलिए मैंने इतना आसान कर दिया, अब तो बता दो भैया कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो भाई फर्स्ट ऑप्शन में देखो आप, जो ध्यान से मैं सरफ कर दिया हूं, अब आप पहचानो कौन एल्केन है, कौन एल्कीन है, कौन एल्काइन है, पहचानो। देखो ये फर्स्ट ऑप्शन है आपका एथाइन, एथाइन क्या होता है, जिसमें कार्बन कार्बन मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है, तथा और कौन है आपका एथीन, जिसमें डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के मध्य। सही है, ये एथिलीन भी कह सकते हो। तो बेटा ये तो ऑक्सीकृत हो जाएंगे, बात खत्म, ये तो हमारा ऑप्शन है नहीं। दूसरा ऑप्शन देखेंगे मैथेन CH4, ये एल्केन है और ये भी देखो एल्केन है, ये भी नहीं चलने वाला है यहां पर। चलिए तीसरा ऑप्शन देखते हैं, तीसरा है आपका एथेन, एथेन बोले तो C2H6, मैं इसे ऐसे लिख दूं, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, सही है एथेन, और एथीन, एथीन कौन होता है, CH डबल बॉन्ड CH2 एथीन। बोलो जरा अब बताओ, अब समझ में आ रहा है। फोर्थ ऑप्शन देखो, फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है एथिलीन तथा प्रोपिलीन, तो एथिलीन कौन है भाई, कॉमन नेम है किसका, एथीन का, एथीन का कॉमन नेम एथिलीन होता है, वो भी क्या है आपकी एल्कीन है, और प्रोपिलीन ये भी कौन है, एल्कीन है, दोनों ही एल्कीन है। तो आप इन चारों ऑप्शन में देख रहे हो, देखो ये नहीं होगा आपको ऑप्शन, ये वाला भी नहीं होगा आपका ऑप्शन, फोर्थ वाला भी नहीं होगा, देखो ये होगा आपका, ये कैसे मिट गया, ये होगा, ये आपका कौन है एथेन है, एथेन है बोले तो एक कौन है एल्केन है और दूसरी कौन है एल्कीन है। सही है, तो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच विभेद के लिए आप बाह्य अभिकर्मक का यूज कर सकते हो। तो इन डिटेल मैंने आपको ये समझा दिया,
आई होप समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब एथेनॉल को एचआई तथा लाल फास्फोरस के साथ गर्म करते हैं तो क्या देता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। देखो क्या होता जब में भी आपसे पूछा जा सकता है, मैं इस पर आपको सेपरेट वीडियो करा चुका हूं, सही है? आप अगर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी ये वीडियो, सही है बेटा? यूनिट वाइज रिएक्शन करा चुका हूं आपके, चैप्टर वाइज रिएक्शन करा दिए आपके, और अनसोल्ड पेपर की हल्के हल्के रिएक्शन चल रही हैं। देखो भाई, इसका जो कॉमन नेम होता है एथिल एल्कोहल होता है, और आईयूपीएसी नेम होता है एथेनॉल। पढ़ना चाहोगे इंग्लिश में तो इसे पढ़ोगे आप एथाइल एल्कोहल, और आईयूपीएसी नेम होता है एथेनॉल, सही? ये कौन है, इसका नेम बताओ जरा मुझे। इसका नेम होता है हाइड्रोआयोडिक एसिड, जो कि एक पिरबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और साथ ही साथ ये भी याद रखो ये एक पिरबल अपचायक पदार्थ है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी है, क्लियर? जब ये अपचायक पदार्थ है तो ये इसको क्या कर देगा, अपचायित बोले तो रिड्यूस्ड कर देगा। चलिए कैसे याद रखोगे, देखो यहां से एक एच ले लो और यहां से एक ओ एच, ये ओ एच उठाओ, ओ एच को लो और यहां से एच लो, बन जाएगा एच टू ओ। मैंने कहा कि ये इसे क्या करेगा, अपचायित करेगा। सर कैसे होगा, देखो यहां पर एक हाइड्रोजन इसे दे दो तो ये हो गया बेटा अपचायित, समझ गए? अब क्या बचा, यहां बची दो आई, तो दो आई से बन जाएगा क्या आपका आई टू। तो हमने जाना कि एच आई में एथिल एल्कोहल को एथेन में, ये कौन है एथेन में अपचायित कर दिया। तो बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल ठीक होगा। बात समझ में आ गई, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है धातु की प्रकृति पर, विलयन के ताप पर, विलयन की मोलरता पर। इसका आंसर नंबर फोर्थ, ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है, इन सभी पर निर्भर करता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, एमिनो अम्ल निम्न के निर्माण की इकाई है, मतलब एमिनो अम्ल से कौन बनता है, ऐसे याद रखो। देखो एमिनो अम्ल मैं इंग्लिश में लिख दूं, एमिनो एसिड से क्या बनता है बेटा, एमिनो एसिड से बनता है प्रोटीन। क्या बनता है, प्रोटीन, मतलब एमिनो एसिड जो है वो प्रोटीन के निर्माण की इकाई है। कह सकता हूं ये कौन हुआ, ये हुआ बेटा मोनोमर बोले तो एक लक, और ये कौन बना आपका, ये बने आपके बहुलक बोले तो पॉलीमर। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, बहुलक बताइए, याद रहेगा, चलिए नोट कर लो इसे भी, अच्छी क्वेश्चन है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देख रखा है, बेंजाल्डिहाइड से बेंजील एल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे, बेंजाल्डिहाइड से बेंजील एल्कोहल प्राप्त किया जा सकता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, पहला ऑप्शन है गुड्स अभिक्रिया द्वारा, परकिन अभिक्रिया द्वारा, कैनिजर अभिक्रिया द्वारा, या फिर क्लेजन अभिक्रिया द्वारा। बेटा देखो बेंजाल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है ये, बेंजीन बनाएंगे आप, उस पर लगाएंगे CHO, आप नहीं चाह रहे ऐसे लिखना तो ऐसे लिख लो भैया, जैसे आपको पसंद है वैसे लिख सकते हो। जितनी भी नेम रिएक्शन है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है उन सबको मैं बना चुका हूं, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के, और बेटा उस पर सेपरेट प्लेलिस्ट बन रखी है, बहुत शानदार मैंने वहां समझाया है, और उनके अंदर क्या क्या लिखना होता ना, टिप्पणी लिखो तो टिप्पणी के अंदर तुम्हें कुछ बातें लिखनी होंगी, वो भी मैंने लिखकर दिया है आपको, तो वहां से आप अपनी नेम रिएक्शन को तैयार कर सकते हो। देखो भैया तो बताओ कौन सा ऑप्शन आपकी नजर में है, खुद से ट्राई कर लिया, चलिए अब मैं आपको समझाता हूं, आ जाओ इधर, कुट आ जाओ बेटे, ध्यान से देखो, बेंजाल्डिहाइड से बेंजील एल्कोहल प्राप्त किया जाता है, मेरा ऑप्शन है नंबर थर्ड, कैनिजारो, किसके द्वारा, कैनिजारो द्वारा। अब मैं आपको समझा रही हूं, मैं यहां पर ले रहा हूं सांद्र बोले तो कंसेंट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो। देखो कैनिजारो अभिक्रिया केवल वही एल्डिहाइड देते हैं जिनमें एल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, सही है? देखो ये एल्डिहाइड है आपका,
इसके बाद आने वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा और उस पर अगर हाइड्रोजन उपस्थित है तो उसको हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। बस सिंपल सी परिभाषा है। जो भी फंक्शनल ग्रुप होता है, क्रियात्मक समूह होता है, उसके बाद जो कार्बन आ रहा है उसको हम कहेंगे अल्फा कार्बन, उस पर जो हाइड्रोजन उपस्थित है उनको हम कह देंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, जिन एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, वो कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। बताओ कितनी बात समझ में आती नहीं आती है। चले आगे, तो बेंजाइल्डिहाइड में बेटा नहीं है। यहां पर अगर देखोगे ये आपका ग्रुप है, यहां पर अल्फा आगा तो यहां पर आप बना के देखोगे ना, तो यहां पर कार्बन कार्बन मिलेगा आपको, हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। देखो ये जो रिएक्शन है ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, असमानुपातन अभिक्रिया होती है, या आप कह सकते हो ये ऑटो रिडॉक्स अभिक्रिया होती है, ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन होती है। मतलब बेंजाइल्डिहाइड का ऑक्सीकरण भी होगा और बेंजाइल्डिहाइड का अपचयन भी होगा। ये ऑक्सीडाइज्ड होकर भी आपको कंपाउंड देगा और ये ही अपचयित होकर, रिड्यूस्ड होकर भी आपको कंपाउंड देगा। इसका मतलब होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन, सही है। चलिए वहां पर मैंने डीप में समझाया है, बहुत ध्यान से करेंगे सवाल को। देखो जब हम इसे अपचयित करेंगे, अपचयित बोले तो रिड्यूस्ड करेंगे, तो इससे पता क्या बनेगा, देखो सी एच टू, यहां एक एच लगा दो और एक ओ के साथ लगा दो, इसे हम कहते हैं बेंजील एल्कोहल। क्या कहते हैं? बेंजील एल्कोहल, या पढ़ सकते हो बेंजाइल एल्कोहल, या पढ़ सकते हो बेंजाइल एल्कोहल। चलिए और साथ में क्या देगा, देखो साथ में बेटा आपको ये प्राप्त होगा इसका सोल्ट, मतलब बेंजाइल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक बनाओ, सी डबल एच लगा दिया, सही है, सी डबल ओ एच लगा दिया, सही है। अब इसका सोल्ट प्राप्त होगा आपको, ये बना इसका सोल्ट, यहां सोडियम दिया ना आपने सोल्ट, तो इसका नाम होगा सोडियम बेंजोएट। क्या नाम होगा? सोडियम बेंजोएट, बेंजोएट, क्लियर। तो बताइए, तो बेंजाइल्डिहाइड का इसमें हुआ अपचयन और बेंजाइल्डिहाइड का इसमें हुआ क्या, ऑक्सीकरण। तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं असमानुपातन अभिक्रिया, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? तो बेटा हमारा ऑप्शन सही है वह कैनिजारो अभिक्रिया। चलिए सातवां क्वेश्चन हमारा आता है जिसमें हमसे पूछा है कि एक पद में एथाइन प्राप्त की जा सकती है। पहले खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, कर लिया। चलिए इसका बेटा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, क्लोरोफॉर्म CHCl3, या हम कह सकते हैं ट्राइक्लोरोमेथेन, सही है। कैसे प्राप्त करेंगे? हम यहां पर लेंगे सिल्वर का पाउडर, सही, फॉर्सिलो पाउडर ले लिया। अब तुम देखो हमें प्राप्त करनी है एथाइन, और एथाइन कौन होती है? C2H2 एथाइन होती है, एथाइन। इसका कॉमन नेम पता जानते हो क्या होता है? इसका कॉमन नेम होता है एसिटिलीन। क्या नाम होता है? एसिटिलीन कॉमन नेम। चलिए कितने कार्बन वहां? दो है, तो यहां दो लगा दो, लगा दिए। तीन धुनी कितने हुआ? छह हो गए, यहां छह लगा दो, सही। जिससे क्या निकल जाएगा? 6AgCl यहां से निकल गए। बचा कौन? केवल यही तो बचा। अब लगाओ C2H2 बन गया एथाइन। चलिए नोट कर लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये बेटा हम आपको 2011 में करा चुके हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार आ चुका, कई बार। तो इसका तो फर्स्ट ऑप्शन होगा, सही। इन्हें इस वाले क्वेश्चन को मैंने डिटेल में समझाया था 2011 वाले में, वहां देख लेना, फर्स्ट वीडियो है इसकी वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेंजाइल्डिहाइड से क्लोरीन गैस क्रिया करने पर देता है। देखो ये हमारा होता है बेंजाइल्डिहाइड, बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड भी कह सकते हैं, और इसको हम ऑयल ऑफ बीटर आमंड्स बोले तो कड़वे बादामों का तेल भी कहा जाता है इसको। चलिए ये हो गया बेंजाइल्डिहाइड, क्लोरीन से क्रिया कराएंगे। देखो सुनो, अगर बेटा आप क्लोरीन से क्रिया करा रहे हो और यहां पर कोई भी उत्प्रेरक, कोई भी कैटलिस्ट नहीं ले रहे, कोई भी हैलोजन वाहक, कोई भी हैलोजन कैरियर नहीं ले रहे हो, तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त ये होगा, यहां से एच निकाल लो, यहां से सीएल, तो यहां से एच सीएल निकल जाएगा, बचेगा क्या बताओ? बचा आपके पास सर सी ओ, और यहां से एक सीएल लगा दो, इसे कहते हैं बेंजोइल क्लोराइड। क्या कहते हैं? बेंजोइल क्लोराइड। तो बताओ कौन सा ऑप्शन है? तो बेंजोइल क्लोराइड कह दो या बेंजोइल क्लोराइड कह दो, बात एक ही है। तो ऑप्शन थर्ड ठीक होगा। इस पर भी मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, सर्च कर सकते हो आप। देखो अगर मैंने यहां पर हैलोजन वाहक, हैलोजन कैरियर ले लिया,
जो कि एक लुईस अम्ल है, एफ ई सी एल थ्री ले लिया मैंने यहां पर, सही है, या एफ ई पाउडर ले लो। तो अब इसके मेटा पोजिशन पर, इसकी मेटा आने के रेस्पेक्ट में डिटेल में मैंने वहां समझाया, डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको, सिर्फ आपको बता रहा हूं रिएक्शन डिटेल में, तो आपको सेपरेट वीडियो देखनी होगी इसकी। यहां से एच निकल गया, सर्च कर लोगे मिल जाएगी, एच क्यार डाल देना, तो ये बन जाएगा आपका मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड, अगर आप यहां पर हेलोजन वाहक लोगे, और हेलोजन वाहक नहीं लोगे तो बनेगा ये। तो मेरे कहने का मतलब ये था, ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना कि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, सही है। अगर यहां पर वो क्वेश्चन में दे देता कि एफ ई या एफ ई सी एल थ्री की उपस्थिति, तो बनता आपका ये मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड, और उसने नहीं दिया है तो बनेगा बेंजोइल क्लोराइड, या कह दो बेंजोइल क्लोराइड, या बेंजोइल, या बेंजोइल क्लोराइड, सही है। चलिए अब आपका ऑप्शन आता है कौन सा, ऑप्शन नंबर 10 है, क्लोरोफॉर्म प्राप्त की जा सकती है। देखो भैया, क्लोरोफॉर्म प्राप्त की जा सकती है, वैसे तरीके बहुत हैं क्लोरोफॉर्म प्राप्त करने के, लेकिन इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये ऑप्शन हमें बता रहा है कि यहां पर हेलोफॉर्म अभिक्रिया, हेलोफॉर्म रिएक्शन के द्वारा ही ये वाला क्वेश्चन आपका सोल्व हो पाएगा, क्योंकि इसने जो ऑप्शन दिए ना वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया के अकॉर्डिंग दिए हैं। सर होता क्या, देखो सुनो, देखो जिसके अंदर CH3CO ग्रुप, या मैं कह सकता हूं मैथिल कीटो ग्रुप, या कह सकता हूं मिथाइल कीटोन ग्रुप, सही है, CH3CO ग्रुप जिस ऑप्शन के अंदर तुम्हें दिखाई दे रहा है, समझ लो उससे ही क्लोरोफॉर्म प्राप्त होगी, बाकी से नहीं होगी। बना के देख लो चाहे तो, सही है। देखो मैथेनॉल है, मैथेनॉल, हाँ एक बात और याद रखो, या तो उसके अंदर ये ग्रुप हो CH3CO ग्रुप हो, या फिर वो यौगिक ऑक्सीकृत होकर, ऑक्सीडाइज्ड होकर आपको मैथिल कीटोन ग्रुप दे। दो बातें याद रखना, या तो CH3CO ग्रुप हो, या फिर वो यौगिक ऑक्सीकृत होकर CH3CO ग्रुप आपको दे, तो जब ही आपको प्राप्त होगा हेलोफॉर्म रिएक्शन। बेटे नेम रिएक्शन में सब करा चुका हूं, सब नेम रिएक्शन करा चुका हूं, आप प्ले लिस्ट में जाओ, वहां पर आपको सब नेम रिएक्शन मिल जाएंगी, वहां से बेहतरीन से नोट्स बना सकते हो। देखो एल्कोहल में जो टू ऑल होते हैं, सही है, मैं पेन चेंज करता हूं, जो एल्कोहल में टू ऑल होते हैं ना, टू ऑल, समझ रहे हो, एल्कोहल में क्या होते हैं, जो टू ऑल होते हैं वो ही आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन आपका फोर्थ ऑप्शन है ना, वो आपका सही है। देखो मैथेनॉल है, मैथेनॉल CH3OH, इसके अंदर नहीं बन पा रही। उसके बाद देखो मैथेनल है, मैथेनल, मैथेनल बोले कौन, एल्डिहाइड, वो फॉर्मल्डिहाइड HCHO, इसके अंदर भी नहीं बन पा रही, ये ग्रुप नहीं है इसके अंदर, या ऑक्सीकृत होकर ये नहीं दे पाएंगे। उसके बाद देखो प्रोपेनॉल वन, मैंने कहा प्रोपेनॉल वन एथिल एल्कोहल दे देता है हेलोफॉर्म अभिक्रिया, सही है, वन ऑल में, और जो टू ऑल होते हैं वो सब दे देते हैं। प्रोपेनॉल है आपका, कैसे बनेगा, CH3CH2CH2OH, ये आपका प्रोपेनॉल है, ये भी नहीं कर पाएगा, सही है। जो आपका फोर्थ ऑप्शन है प्रोपेन टू ऑल बनाओ, देखो CH3CH यहां आ जाएगा OH, और यहां आ गया आपका CH3, समझ गए। जब हम इसे ऑक्सीकृत करेंगे ना, तो ये ऑक्सीकृत होकर हमें ये देगा CH3 डबल बॉन्ड O और CH3 ये देगा। तो अब देखो इसके अंदर ये ग्रुप आगे नहीं आ गया, आ गया तो बस ये आपको हेलोफॉर्म अभिक्रिया दे देगा, और आपको प्राप्त हो जाएगा आपका क्लोरोफॉर्म, सही है। बस भाई सर रिएक्शन कर दो पूरी, लाओ भैया रिएक्शन पूरी कर देते हैं आपकी। आप यहां पर लोगो क्लोरीन, फिर लोगे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सही है, इससे याद रखो बन जाएगा CHCl3, सही। देखो Na और Cl तो याद रखो क्या क्या बनता है, क्या बनता है, NaCl बनता है, सही है, सही। और OH से याद रखो क्या बनेगा, जल बनेगा, जल बन गया। अब जो ये वाला पोर्शन बचा है, सही, इसका लवण बना दो, लवण सॉल्ट CH3CONa, सोडियम एसीटेट बन गया, अच्छा बैलेंस कर दे इसे, यहां लगा दो 4, यहां लगा दो 6, और यहां भी लगा दो 5, यहां लगा दो 5, बस लो रिएक्शन भी अभी करके दिखा दी, सही। अब लास्ट क्वेश्चन है, दे रखा है विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग क्या है। भैया विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग होता है रतौंधी, क्या होता है, रतौंधी। तो विटामिन ए का नाम याद रख लो, विटामिन ए को हम कहते हैं रेटिनॉल, क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं। इसका फॉर्मूला भी याद रख लो, फॉर्मूला होता है C20H30
30O, ये होता है रेटिनोल का फॉर्मूला। बताइए समझ में आ गई बात। तो इस तरह से हमने 2012 के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, सभी बहुविकल्पियों को कंप्लीट कर लिया। दिखने में ये 12 हैं, लेकिन उनसे 12 से भी ज्यादा हैं, क्योंकि मैंने हर एक ऑप्शन को, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाया है। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।